हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो है गार्डनिंग की, क्रिसेंथेमम फ्लावर कैसे पिंचिंग करना है वही शेयर करने वाली हूँ आज मैं। ये है मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स, बहुत सारे नए हैं। इसी सीज़न बहुत सारे फ्लावर खिलने का नहीं है, इस सीज़न में कोई भी फ्लावर नहीं है यहाँ पर। यह है क्रिसेंथेमम फ्लावर, पिछले साल की पुराने वाला मैं ऐसे राख दिया था, और जो मैं कटिंग करके लगाया था वो भी मैं रिपोर्टिंग कर लिया है, और उसी में से आज पिंचिंग करने वाली हूँ मैं, वही वीडियो आज शेयर करने वाली हूँ। यह है क्रिसेंथेमम, रिपोर्टिंग करने के बाद इसकी ऐसा हुआ है। कुछ सफाई कर लेती हूँ पहले, और बाद में कुछ गुड़ाई कर लूँगी मैं। ऐसे तो गुड़ाई हफ्ते में मैं एक बार ही करती हूँ, और सफाई भी करती हूँ साथ साथ। क्रिसेंथेमम फ्लावर में मैं कौन सी खाद यूज़ करती हूँ वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ अगले वीडियो में। सारे के सारे पॉट्स को मैं पहले कुछ गुड़ाई कर लूँगी। यह है सदाबहार सफ़ेद वाली, बहुत ही सुंदर दिखती है सफ़ेद वाली सदाबहार। तो चलिए, पिंचिंग कैसे करना है देख सकते हैं। ऐसे हाथ से छोटी सी पिंच करके हमें फेंक देना है। ये पिंचिंग करने से क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आता है, और सारे के सारे ब्रांचेस में आपको मिल जाएगा बहुत सारे फ्लावर। ये तो बहुत ही ज़रूरी है करना। पिंचिंग एक बार नहीं, दो तीन बार हम कर लेते हैं, वो आपको पता ही चल जाएगा कब करना है। तो फ्रेंड्स लोग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग पसंद करते हैं तो मिल जाएगा आपको बहुत सारे गार्डनिंग टिप्स, और मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ, ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्लॉग्स भी मिल जाएगा आपको। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आज। ये जो मरा हुआ पत्ता है उसको भी हमें निकाल कर फेंक देना है। ऐसे पत्ता बहुत सारे मिलते हैं मरा हुआ,